मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बिन फेरे हम तेरे, ये सब किसी फिल्म के डायलॉग जरूर हो सकते हैं, मगर ये हकीकत है। हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बता रहे हैं जिसमें वर वधु ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे नहीं लिए, बल्कि अपने नए जीवन की शुरुआत भारत के संविधान को साक्षी मानकर किया, एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया और शपथ ग्रहण की। अब इस अनूठी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग वर वधु के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। सभी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ हटकर करते हैं, ऐसी ही एक अनूठी शादी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल शादी एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही हमें मंगलसूत्र, अग्नि के फेरे, मंडप सब याद आ जाता है, लेकिन यहाँ शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। खरगोन में एक अनूठी शादी देखने को मिली जो शायद देश में पहली शादी होगी जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर वर वधु ने फेरे नहीं लिए, बल्कि भारत के संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया और शपथ ग्रहण करवाई। दरअसल मामला कुछ यूं है कि कसरावद निवासी ब्रज कलमे व खरगोन निवासी अंजलि रोकड़े विवाह बंधन में बंधे, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली और एक दूसरे का साथ जन्म तक साथ देने का वादा किया। वरवधु का मानना है कि समाज में लेन देन जैसी कुप्रथा के कारण फालतू खर्च होता है, कुरूतियां फैलाई जाती हैं जिन्हें बंद होना चाहिए। इस तरह की शादी कर फिजूल खर्चा बचाना चाहिए और इस पैसे को किसी नेक कार्य में लगाना चाहिए। समाजसेवी रामेश्वर बड़ोले का मानना है कि कलमे परिवार व रोकड़े परिवार द्वारा एक अच्छी पहल की गई है जिससे कि समाज में एक नया संदेश जाएगा। कलमे परिवार द्वारा पहले भी समाज में नया संदेश देते हुए उनके पिताजी की मृत्यु होने पर देह मेडिकल कॉलेज को दान कर दी गई थी। कलमे परिवार हमेशा एक नया संदेश देते हैं। पिछले दिनों इनके पापा की डेथ हो गई थी, उसमें भी इन्होंने देह दान करके एक नया संदेश दिया था समाज को कि जो बॉडी है वो किसी काम की नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज को दान दिया था। ऐसे ही उनकी बच्चे की शादी है ब्रज कलमे की, और उन्होंने यह प्रण लिया है कि जो भी हम लोग शादी करेंगे वो संविधान की शपथ लेके करेंगे जिसमें फिजूल खर्च नहीं हो, ममेरा नहीं हो, पेरावनी नहीं हो, और जो लिफाफा लेना देना होता है तमाम सारी चीज़ें बंद करी हुई है। इसमें दहेज भी ले रहे हैं, न दहेज ले रहे हैं, ना ही लिफाफा ले रहे हैं, न किसी प्रकार का भी लेना देना बंद किया हुआ है। मानना है कि भारत में पहली शादी है जो संविधान की शपथ लेके शादी रचा रहे हैं। पहली तो ये संविधान के प्रति हमारा सम्मान है और संविधान के सम्मान में हम संविधान की शपथ लेकर शादी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने इस शादी में काफ़ी सारी कुरीतियाँ, लगभग सारी कुरीतियाँ जो लेने देने के रिवाज है, दहेज, मामेरा, पेरावनी, कपड़ों के लेन देन, पटाखों से जो प्रदूषण होता है उस पर रोक, पॉलीथीन पर रोक, डिस्पोजल ग्लास पर रोक, लगभग जितने भी जिनसे भी प्रदूषण होता है और जो भी खर्चालू रीति रिवाज समाज में होते हैं उन्हें बंद करने की हमने ठानी थी और इस शादी में हमने बंद कर दिया है। मैं ये चाहती हूँ कि शादी इस तरीके से हो जिसमें किसी तरह का कोई खर्चा ना हो और जो भी मतलब पैसे जो वेस्ट किए जाते हैं शादी में वो किसी और अन्य काम में लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।